समलिंगी आसक्ति, होमोसेक्सुअलिटी या गे, इसके बारे में मैं आज कुछ बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जिनको मेल टू मेल अट्रैक्शन है, मतलब गे है, बॉय टू बॉय, ऐसे काफ़ी सारे लोग मेरे पास में आते रहते हैं। समलिंगी आसक्ति है, कोई उसमें पैसिव पार्टनर रहता है, कोई एक्टिव पार्टनर रहता है, और उनसे वो मतलब ये अवस्था से वो तंग आ चुके हैं। एक्चुअली उनको लगता है कि नहीं, मैंने ये नहीं करना चाहिए अभी, मगर वो एक हैबिट लग चुकी है, इसलिए वो उसमें रहते हैं। बार बार वही विचार आते रहते हैं। कभी कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो हो सकता है कि महीने में एक आधे बार होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप कर दे, कोई साल भर में 2-3 बार करते। कुछ लोगों ने तो सेक्सुअल रिलेशनशिप किया नहीं है, मगर उनको अट्रैक्शन मेल की तरफ है, उनको अच्छा लगता है मेल को देखना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको अभी ये अवस्था से वो तंग आ चुके हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता है, जिनको लगता है कि नहीं, मैंने शादी करना चाहिए लड़की से, या घर वाले भी बोल रहे अभी करो, और फिर वो डॉक्टर टू डॉक्टर जाते रहते हैं। और सभी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट उनको ये बोलते कि नहीं, अभी ये कुछ संभव नहीं, इसका इलाज होता नहीं। तो ऐसा एक्चुअली नहीं होना चाहिए। देखिए, ये भी एक एडिक्शन टाइप है, ये भी एक ब्रेन पैटर्न्स बने हुए हैं। जब ये ब्रेन पैटर्न बने हुए हैं, बाकी उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसको इरेक्शन आ रहा है, उसको डिस्चार्ज हो रहा है, सीमेन बाहर निकल रहा है, सिर्फ उसका अभी एफिनिटी है जो है वो मेल के तरफ है। अभी हमको ये पैटर्न्स बदलने के हैं। हमारा ब्रेन जो है वो न्यूरोप्लास्टिक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, तो ये पैटर्न बदलने का पूरा प्रयास हम कर सकते हैं। यदि वो व्यक्ति, वो पेशेंट मेरे पास में आता है और बोलता है कि नहीं, मुझे बदलने का है, मुझे अभी होमोसेक्सुअल नहीं रहना है, मुझे शादी करनी है लड़की के साथ में, तो भी उसका पैटर्न जरूर बदलना चाहिए, और उसके लिए हमने बिल्कुल पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं उसमें क्या करता हूँ बताता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है, अभी आपने क्या करना है, कि मैं उनको सिल्डनाफिल, टाडालाफिल जैसी दवाई देता हूँ, गोली देता हूँ। उनको बोलता हूँ कि आप इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, गोली देने के 2 घंटे बाद में अकेले कमरे में जाओ, गोली खाने के बाद विजुअलाइज करो कि आप हेटरोसेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं। पूरा क्लियर विजुअलाइजेशन होना चाहिए, और ये बार 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 विजुअलाइज करो, 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक विजुअलाइज करो, और ये बार बार करो। और वैसे ही मैं उनको हिप्नोथेरेपी देता हूँ, हिप्नोटिक अवस्था में, हिप्नोटिक स्टेज में उनको बार 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 सजेशंस दिया जाता है, और विजुअलाइज मैं करने लगा था उनको कि वो लड़की के साथ में, लेडी के साथ में, कोई भी व्यक्ति उसको अच्छी लगती है, जो एक्ट्रेस अच्छी लगती है उसके साथ में, अभी मतलब कुछ भी विजुअलाइज करो जिससे उसको एक्साइटमेंट आ जाएगा। कोई सेक्सुअल पिक्चर्स होंगे तो वो देखो, इमेज होंगे तो वो देखो, जिससे उसको जो ब्रेन पैटर्न है वो बदलने में सहायता होगी। तो हिप्नोटिज्म में सजेशंस देना बार 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 बार, सबकॉन्शियस माइंड को बार बार सजेशंस देके उसको बार बार हैमरिंग करना, और उसको विजुअलाइज करवाना है। विजुअलाइज क्या करवाना है कि भाई वो लड़की के साथ में, वो हेटरोसेक्सुअल रिलेशनशिप में है। और ये 4-6 महीने करते हैं तो डेफिनेटली इसका फायदा होता है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा पाया गया है कि काफ़ी लोगों को फायदा हुआ। वो लोगों ने अभी शादी करने का निर्णय लिया, अभी लड़की के साथ में शादी करेंगे और अपना जीवन वो आनंद से बिताएंगे। तो सभी को मैं ये ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई इसमें निराश होने का कोई कारण नहीं है। बहुत लोग सुसाइड की तरफ जाते हैं कि भाई नहीं, मेरे को भी सुसाइड करना है, समाज मान्यता देता नहीं है, माँ बाप देते नहीं मान्यता, उनको बदलने की खुद को इच्छा है, मगर अभी क्या करूँ, कुछ सपोर्ट ही नहीं कर रहा। मेरे पास में तो ऐसे लोग आ रहे हैं कि बोले, हमने इतने डॉक्टरों को पूछा, एक भी डॉक्टर नहीं बोल रहा कि इसका इलाज करो, इलाज करना, जब वो खुद चाहता है पेशेंट कि मेरा इलाज होना चाहिए। और मतलब ये बीमारी नहीं, मगर उसको वो पैटर्न बदलने का है। जैसे कोई लड़की आती है और बोलती है कि मुझे लड़का बनने का है, या लड़का आता है बोलता है मुझे लड़की बनने के ऑपरेशन करना है, वैसा ही वो होमो बोलता है कि अभी मेरे को हेट्रो बनने का है, मतलब होमोसेक्सुअल, उसको हेट्रोसेक्सुअल बनने का है। तो क्यों ना हमें उनका पैटर्न बदलना चाहिए, क्यों ना हमें उनको मदद करनी चाहिए। तो ये संभव है। वो दवाइयाँ मतलब टाडालाफिल, सिटालाफिल जैसी गोलियाँ, फ्लॉक्सेटिन जैसी SSRI टाइप की गोलियाँ मैं देता हूँ उनको, ताकि विचार कम हो जाए, और फिर विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, ऐसे करके उनको बहुत फ़ायदा होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करो, बहुत लोग सफ़र हो रहे, उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व,
शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।